हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं और जिनका भी जो सब्जेक्ट है वो है मनोविकृति विज्ञान, और बुक का कोड है आपका वो है BAPSY102। तो दोस्तों, जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपको ये मैं 13 क्वेश्चन दिखाऊँ उन क्वेश्चन को आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, तो जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो है 40 नंबर आप इस वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 2 घंटे का, और जो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा उसको जो है जो मार्क्स होने वाले हैं उसमें वो होने वाला है 80 नंबर का पेपर आपका। और जो 80 नंबर का आपका पेपर होगा उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको जो है 5 क्वेश्चन दिखाई देने को मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको क्या करना है 2 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे। और जो आपका 1 क्वेश्चन होने वाला है इसमें वो होने वाला है 20 नंबर का, तो सेक्शन ए होने वाला है आपका 40 नंबर का। तो दोस्तों, अभी जो आपके जो है सेक्शन ए में जो आपको 5 क्वेश्चन दिखाए गए हैं, अगर आप जो है इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जो ये 5 क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं अभी, इन क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है कन्फर्म है कि ये रिपीट होने वाले हैं। और जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम में अगर 1 क्वेश्चन भी आता है तो 20 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको जो है दोस्तों दिखाई देने को मिलेंगे 8 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ आपको जो है 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, और साथ ही में जो चैनल है और साथ ही में जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आपके अभी एग्ज़ाम हो उसके भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको जब भी मैं लाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, उसके बाद जब आपका ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने होंगे, तो आपको जो 8 क्वेश्चन अभी दिखाए जा रहे हैं डिस्प्ले में, तो अगर आप इनको भी सॉल्व करते हैं तो आपका जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन यहाँ से जो है रिपीट हो सकते हैं। और जो आपका ये 13 क्वेश्चन का ये पेपर होने वाला है, और 13 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो 13 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म है कि रिपीट होने वाले हैं। और अगर आपने 13 क्वेश्चन की यहाँ से प्रैक्टिस कर ली, तो अगर 3 भी यहाँ से जो है रिपीट होते हैं तो आपके 30 नंबर या 40 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो सकते हैं दोस्तों। और जो आपके अभी अदर्स सब्जेक्ट हैं, अगर उनके भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जो प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो BA फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं ऑल, उनके वीडियोज़ आपको आपके डिस्प्ले में शो होने लगेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पर जाके आप उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए आपके जो अभी ये फर्स्ट ईयर में है और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही में जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको आपके लिए जो BA सेकेंड ईयर में जब आप जाएँ उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ तो उसके भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपको हमारी न्यू वीडियो में आगे।